हेलो एवरीवन, बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे क्या हो जाता है, बहुत सारे भाइयों के तो यहाँ पे सेंटीमेंट ही बदल जाते हैं। लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से मार्केट में पैराबोलिक मूव आपको देखने को मिलेंगे आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे पॉजिटिव चीज़ें दिखाने वाला हूँ जिनको देख कर आपको बिलीव हो जाएगा कि हम यहाँ पर अच्छे खासे लेवल पर जाने वाले हैं। और यहाँ पर करेक्शन की बात करें तो करेक्शन आ भी जाता है तो यहाँ पर इतना ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप DCA कर लेना, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि वो ये डरने लग जाएगा, अरे गया गया मार्केट खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना है आप, क्योंकि मार्केट अच्छे खासे लेवल पे जाने वाला है। तो तीनों पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं फटाफट से उनको जानते हैं। और अब वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जब पहले बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था प्रीवियस, तो वहाँ से एक छोटा सा करेक्शन आया था, उसके बाद खतरनाक लेवल पे रैली देखने को मिली थी। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पिंच करते हैं चार्ट को, यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, ये वाला $19,800 के समथिंग यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, जैसे कि यहाँ पे इस लेवल पे देख सकते हैं। वापस से इसको यहाँ पे जूम करते हैं और ये वाला लेवल, और आपको दिखाता हूँ यहाँ से कितना करेक्शन आया था और उसके बाद कितना जंप देखने मिला था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही एरिया है वो $19,800 के समथिंग का। और यहाँ से एक बार स्केल लेते हैं और काउंट करते हैं इस लेवल से, और यहाँ तक देख सकते हो आप कब करीबन 10-11% के समथिंग करेक्शन आया था। फिर उसके बाद यहाँ पे पैराबोलिक मूव और ख़तरनाक जंप देखने को मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं रैली आई थी, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे भी होने लग रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा बहुत करेक्शन तो आ चुका है और मे बी आई थिंक थोड़ा बहुत और आ सकता है, आए तो, नहीं तो अदरवाइज यहीं से अपन ऊपर की ओर जाने लग सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ से काउंट करते हैं और यहाँ तक देखो 7-8% के समथिंग करेक्शन तो आ चुका है, और यहाँ से थोड़ा बहुत और आ गया तो वो अलग बात है, नहीं तो यहीं से जंप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो ग्रीन कैंडल भी बनने लग रही है। और करेक्शन की बात करें तो देखो, यहाँ पे जब से मार्केट में यहाँ रैली आने लगी है इस लेवल से, पैराबोलिक ही मूव है, यानी कि कोई करेक्शन नहीं है, तो मे बी थोड़ा बहुत तो करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में करेक्शन तो आना एक नॉर्मल है। पीछे की बात करें, जब पहले भी बुल रन में थे हम, तो करेक्शन तो आते ही थे, और करेक्शन आके ही मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पे बात हो गई ये। अब दूसरे पॉजिटिव साइन की बात करते हैं, वो यहाँ पे आप इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं, जो लास्ट टाइम अक्टूबर का था लास्ट ईयर, वैसा का वैसा ये सिमिलर चार्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक सर्कल देख सकते हो लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आ गया था ये येलो लाइन, फिर देखो कितना ऊपर की ओर जंप आया था, ठीक है। फिर यही देखो, यहाँ अभी भी वही चीज़ ये देखने को मिल रही है, दो सर्कल ये बुलिश यहाँ पे वो हो रहे हैं कंफर्मेशन, और यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जाने के चांसेज हैं। ये डाटा होता है जो ये इंडिकेट करता है, ठीक है। और एक और देखिए यहाँ पे तीसरा पॉजिटिव साइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पीक एक्युमुलेशन है, जब भी ये पीक एक्युमुलेशन होता है तो प्राइसेस अच्छे खासे लेवल पे जाती है। जैसे कि लेफ्ट साइड में पहला वाला देखे, जब पहले पीक एक्युमुलेशन हुआ था देखो प्राइस कितनी अच्छी खासी ऊपर गई, फिर यहाँ सेकंड में देखो वहाँ पीक एक्युमुलेशन हुआ तो फिर प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ पे बीच में देखो ये वाला हुआ तो फिर प्राइस ऊपर गई, और यहाँ अब वापस होने लग रहा है पीक एक्युमुलेशन, तो प्राइसेज अच्छे खासे लेवल पे जाने वाली है। तो ये भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग साइन है। तो मैंने तीन चीज़ें दिखा दी है आपको, अच्छे खासे लेवल पे प्राइसेज जाने वाली है। और अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि हम बस कुछ नहीं होने वाला, या फिर वही पैनिक चीज़ें आपकी, तो वो अलग बात है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आने वाले टाइम यानी कि ये 3 महीने, ये नवंबर दिसंबर जनवरी अच्छे खासे होने वाले हैं, वैसे भी 2022 यहाँ पे अच्छा साल होगा क्रिप्टो के लिए, तो अभी भी आपके पास अच्छा टाइम है। थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले तो DCA कर लेना, नो डाउट, क्योंकि करेक्शन तो आना यहाँ क्रिप्टो मार्केट में नॉर्मल है। जैसे कि यहाँ पिछले बुल रन की बात करें तो ऐसे थोड़ी ये पैराबोलिक ही गए थे, नहीं ना, पहले ऊपर गए फिर डाउन, फिर ऊपर गए फिर डाउन, फिर ऊपर गए डाउन, यूँ ही तो गए थे। तो यहाँ पे तो देखो कोई करेक्शन नहीं आया, डायरेक्ट सीधा ऊपर गया, तो करेक्शन थोड़ा आ भी गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप उसको DCA करके अच्छा कर सकते हैं। अल्ट्स में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है, और भी आपको नीचे देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ RSI की बात करें तो RSI यहाँ पे यानी कि ओवरबॉट जोन में है। ये पहले तो देखो यहाँ से थोड़ा करेक्शन तो आ गया है, जैसे प्राइस थोड़ी डाउन आई है, अब मे भी थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है, उसके बाद फिर करेक्शन आ सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, करेक्शन जैसा भी है आपको पैनिक नहीं होना है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा करने वाला है, तो डरना तो है नहीं। यहाँ पे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी मिले अब भी उठाना, क्योंकि यहाँ इस टाइम ली गई एंट्री और अच्छे अच्छे कॉइनों में वो आपको आगे अच्छा रिटर्न देगी, ये याद रखना आप, ठीक है।
तो मैंने जो भी बताना था अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने आपको बता दी है वीडियो में। अगर आपको जरा सा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे।